हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, यहां पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो आपको पता ही है बहुत एक इंपॉर्टेंट डेटा अभी हमारे सामने यहाँ पे आने वाला है। बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि फिलहाल तो हम इस वीडियो को क्या कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब भी डेटा सामने आएगा तो इमिडिएटली क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इमिडिएटली रिएक्शन मतलब आपको पता है जैसे हम लोग अनुमान लेकर चल रहे हैं, अगर उस हिसाब से अगर अच्छा डेटा आया तो सडनली तेज़ी देखने को मिल सकती है अमेरिकन बाजार के फ्यूचर में। एंड अगर उल्टा आया तो सडनली गिरावट भी आ सकती है करके। ठीक है, एंड तीसरा ऑप्शन भी रहता है कि जैसा सोचा था वैसा भी आया करके, फिर बाजार में कभी कभी कन्फ्यूजन भी देखने को मिल जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा एक लाइव रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद आपको पता ही है सिचुएशंस बदल सकती है, फिर अमेरिकन बाजार 7 बजे ओपन होगा, फिर कुछ और सिचुएशन देखने को मिल जाएगी। बट एक थोड़ा सा एक नया एक्सपेरिमेंट हमेशा हम लोग ये करने की कोशिश करते हैं जो कि महीने में हम लोगों को एक बार देखने को मिल जाता है। सो आप सभी लोगों को बताइए हम किसकी बात करें, यस इन्फ्लेशन के डेटा की। किसका इन्फ्लेशन का डेटा? अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा। हमारा डेटा टुमारो कल यहाँ पे आने वाला है, बट अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को भविष्य में देखने को मिलने वाली है। देखिए, जॉबलेस क्लेम का डेटा तो हर हफ्ते हम लोग को देखने को मिलते रहता है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बीच में थोड़ा सा उन्होंने एक खराब डेटा दिखाया था, इसलिए वो रिसेशन की बातें सामने यहाँ पे आई थी, बट बाद में वो नॉर्मलाइज हो गया। बट अगर हम लोग बात करें ये जो इन्फ्लेशन का डेटा है, ये काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करने वाला है। किस में? तो आप सभी लोगों को पता है FOMC की बैठक अगले हफ्ते ही देखने को मिलने वाली है। अगले हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो आज जो दिन चल रहा है, ठीक है, बुधवार की अगर हम लोग बात करें, वेनसडे की बात करें, तो अगले बुधवार वेनसडे की रात की अगर हम लोग बात करें तो पूरी दुनिया के जो बाज़ार वाले लोग हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली लेट नाइट नहीं सोएंगे, वो जागेंगे कि भाई क्या फैसला आता है करके। तो FOMC की बैठक की बात करें, आपको पता है यस 17-18 सितंबर को FOMC की बैठक रहेगी। एंड 18 बोले तो 18 को हम लोग को आउटकम देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट होगा या नहीं होगा, इसी से रिलेटेड बहुत बड़ा फैसला हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इंटरेस्ट रेट कट की बात करें तो हर वक्त FOMC की बैठक 1-2 महीने में हम लोग को देखने को मिल जाती है, बट इस वाली बैठक में क्यों ज़्यादा एक्साइटमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न है पॉवेल जी। पॉवेल जी ने लेटेस्ट जो उनकी स्पीच हुई थी, आपको पता ही है जैक्सन होल मीटिंग की बात करें, वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। क्या बोल दिया? टाइम हैज़ कम फॉर सेप्टेम्बर रेट कट। अभी इतना बोल दिया, मतलब अभी बचा ही क्या है। ठीक है, मतलब उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो शेयर बाजार के प्लेयर है उनका कॉन्फिडेंस हम लोग को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल गया कि भाई अभी इतना तो बोल दिया, मतलब तो रेट कट होगा ही होगा करके। ठीक है, अभी इसकी बातचीत स्टार्ट हो चुकी है कि रेट कट 25 का होगा या 50 का होगा करके। ठीक है, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों कि ये जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो ये गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। अगर खराब ही आ गया, खराब मतलब छोटा सा अगर खराब आया चल जाता है भाई, बट बहुत खराब आया तो फिर हम कह सकते हैं कि जो उम्मीद लेकर चल रहे लोग, ठीक है, वो उम्मीद के ऊपर पानी भी फेर सकता है। बट जैसे मैंने कहा, फिर भी कॉन्फिडेंस क्यों हाई है? क्योंकि 3 जो इंपॉर्टेंट डेटा रहते हैं कि रेट कट से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, वो फेवर में ही हम लोग को देखने को मिले। जैसे कि जॉबलेस क्लेम की बात करें तो वो आप देख सकते हो विद इन कंट्रोल में है, हरा हरा निशान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, लोगों की नौकरियाँ यहाँ पे जा रही है, बट एकदम ही खराब सिचुएशन नहीं है। 231 जाना चाहिए, 227 है, उसके पहले 232 था, एक्सपेक्टेशन उसके नीचे ही था 231 करके। ठीक है, मतलब विद इन कंट्रोल यहाँ पे चल रहा है। देन GDP की अगर हम लोग बात करें अमेरिका की, वो भी डेटा काफ़ी अच्छा देखने को मिला, जो भी आप देख सकते हो कि अमेरिका का में जो ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है वो भी अच्छी है। 1.3 एक्सपेक्टेड था, 1.4 आया, 2 एक्सपेक्टेड था, 2.8 आया, 2.8 एक्सपेक्टेड था, 3 आया, तो ग्रोथ बढ़ना ये एक अच्छा संकेत यहाँ पे रहता है। एंड आखिरी अगर हम लोग बात करें तो इन्फ्लेशन का डेटा जो कि अभी हम लोग को रिलीज होते हुए देखने को मिल जाएगा, अभी ऑलमोस्ट 6 बजे के करीब ये डेटा रिलीज हो ही जाएगा। ठीक है, तो हार्डली हम कह सकते हैं 30 सेकेंड यहाँ पे बाकी, उसके बाद डेटा हमारे सामने कभी भी यहाँ पे आ सकता है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें, हमारा जो फोकस रहेगा वो अमेरिकन बाजार का जो फ्यूचर रहेगा उसी के ऊपर हम लोग को यहाँ पे रखना है। जैसे ये डेटा आएगा, डिपेंड करता है डेटा कैसे आता है, उसके बाद सिचुएशन हम लोग को कभी भी रिवाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। डेटा आने से पहले आप देख सकते हो ये 120-100 के आसपास हम लोग को थोड़ा बहुत डाउन ही देखने को मिला, आप चार्ट पैटर्न को फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है इन्वेस्टिंग के ऊपर जाके, ठीक है, वहाँ पे भी चेक करने की कोशिश करेंगे। पहले इनका चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिलता था, अभी इन्होंने थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ पे वो पुराना वाला रखना चाहिए था,
एनीवेज जो भी डेटा आएगा वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूंगा, तो थोड़ा अभी भी हम लोग को यहाँ पे इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा, डेटा कभी भी यहाँ पे आ सकता है। बट उसी के साथ साथ काफ़ी लोगों के कुछ सवाल भी रहते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन की बात करें, सर मान के चलिए अगर खराब आया डेटा तो, चलो मान के चलते खराब आया तो क्या होगा, ठीक है भाई रेट कट का एक्सपेक्टेशन टूट जाएगा, ठीक है बाजार गिर जाएगा, इसका अर्थ ये थोड़ी कि सब कुछ खत्म ही होगा करके, ये समझो इस चीज़ को। ये जो बाजार अभी यहाँ पे डाउ जोन्स की बात करें 40,000 के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है थोड़ी ना ऐसे ही आ गया है, 2008 में तो कितनी बड़ी मंदी आई थी, थोड़ी ना बाजार खत्म हो गया, वो टॉर्चर आप लोगों को झेलना पड़ेगा, बस इतनी चीज सी चीज़ यहाँ पे रहती है, ठीक है। इस वक्त अगर रेट कट नहीं हुआ मतलब FOMC की बैठक में, ठीक है तो अगली बार हो जाएगा, उस वक्त नहीं तो उसके अगली बार, ठीक है। बट प्रेशर तो काफ़ी हाई रहेगा पवेल जी के ऊपर, बिकॉज आपको पता है इलेक्शन का भी वहाँ पे हम लोग को दौर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड जो रूलिंग पार्टी होती है वो डायरेक्टली बोलो और इनडायरेक्टली बोलो प्रेशराइज तो यहाँ पे करती है, ठीक है ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल ही जाती है। देख लेते हैं क्या होता है करके, सिचुएशन तो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम लोग तो बस इन चीज़ों को कवर करने के ऊपर ही फोकस यहाँ पे बना के रख सकते हैं, ठीक है। अगर डेटा अगर अच्छा आया तो अभी एक्सपेक्टेशन कितना है, अच्छा वो चीज़ रहेगी 2.5% का एक्सपेक्टेशन है, किसका इन्फ्लेशन का डेटा अमेरिका की बात करें तो, अगर 2.5 से अगर नीचे आया तो 2.4 2.2 भाई बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब कमाल ही कर दिया करके आप ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो। 2.5 से ज़्यादा आया तो 2.6 2.7 तो हम कह सकते हैं कि खराब आया करके, ठीक है तो लाल निशान देखने को मिल सकता है। एंड अगर एग्जैक्टली 2.5 आया तो फिर हम कह सकते हैं कि एकदम कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, फिर बोल वाले डिसीजन लेंगे या बेयर वाले डिसीजन लेंगे, वो भी एक देखने वाली बात होती है, ठीक है ये भी चीज़ें क्वाइट पॉसिबल यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो ये देखना पड़ता है कि कौन ज़्यादा हावी होगा करके, शायद से 2.5 आने के बाद भी क्या पता थोड़े से बुल वाले अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दे, वी डोंट नो, चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी इसको बार बार मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करके यहाँ पे देख लेता हूँ, अगेन मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया, डाउ जोन्स के फ्यूचर को नीचे जाना पड़ेगा, क्या चल रहा है अभी भी फ्लैटिश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आगे जाते हैं, नॉर्मली परफॉर्मेंस भी यहाँ पे वैसे ही देखने को मिल रहा है, और इन्फ्लेशन का डेटा आया कि नहीं तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये पुराना वाला है, अच्छा सो आप देख सकते हैं 2.5 एक्सपेक्टेड एंड 2.5, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यस डेटा रिलीज हो चुका है, डेट पहले मैं आपको दिखा दूँ 11th September 2024, यस डेटा सामने आ गया, जितना एक्सपेक्टेड था 2.5 आना चाहिए, एग्जैक्ट 2.5 आते हुए देखने को मिल चुका है, मतलब ये ब्लैक अक्षर में लिखा जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा आपको इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखा दूँ, ये देखो आपको देखने को मिल रहा है, इसके पहले देखो कैसे था एक्सपेक्टेशन इतना तो नीचे आया, ये काफ़ी अच्छा डेटा हम लोग को देखने को मिला था, ये भी काफ़ी अच्छा था, ये भी काफ़ी अच्छा था, ये तो एट पार आया, 2.4 एक्सपेक्टेड एग्जैक्टली 2.5 एक्सपेक्टेड एग्जैक्टली 2.5 आए, ठीक है मतलब हम कह सकते हैं फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो ये डेटा के चलते मतलब कोई डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं होना चाहिए भाई, थोड़ी ना खराब आया है, ना ही आप अच्छा बोल सकते हो ना ही आप बुरा बोल सकते हो, बिल्कुल फ्लैट, मतलब हम कह सकते हैं एकदम कांटे की टक्कर अभी हम लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी अभी क्या होता है करके, तो थोड़ा सा अभी मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, ठीक है अभी इसमें क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है, थोड़ा बहुत उसके लिए इंतज़ार यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम एट पार है तो कांटे की टक्कर, अगेन कह रहा हूँ यहाँ पे कि क्या यहाँ पे कौन बड़ा पोजीशन यहाँ पे बनाएगा वो एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। सो थोड़ा सा इसको हम लोग बार बार चेक करते हैं, अच्छा ठीक है अभी आप देख सकते हैं 200+ पॉइंट हम लोग को ये डाउन देखने को मिल रहा है फ्यूचर, थोड़ा सा इसको बार बार रिफ्रेश करते रहना पड़ता है, ठीक है। एंड अभी देख सकते हो 300 पॉइंट, ओहो तो हम कह सकते हैं बेयर वाले आप देख सकते हो पूरी तरीके से, ये इसलिए मैं इसको लाइव रिकॉर्ड करता हूँ, ये देखो एकदम नीचे खींच लिया इन्होंने, ठीक है एकदम नीचे ही यहाँ पे खींच लिया है, 300 पॉइंट के आसपास की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, 2.5 ही एक्सपेक्टेड था उतना ही यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट बेयर वाले हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होते हुए देखने को मिल चुके हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर कि नॉर्मल चार्ट पैटर्न यहाँ पे चल रहा था, और ये देखो नीचे यहाँ पे अभी इन्होंने यहाँ पे खींच लिया है, ठीक है। तो फिलहाल तो हम कह रहे हैं अभी जस्ट अभी आया है डेटा, ठीक है इसीलिए मैंने शुरुआत में आप लोगों को डिस्क्लेमर दिया था, अभी अमेरिकन बाजार ओपन होने के लिए अभी भी 45 मिनट्स यहाँ पे बाकी है, ठीक है तब तक सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस यहाँ पे हो सकता है। डेटा देखा गया तो एकदम फ्लैट ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट फिलहाल तो बियर वालों ने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे अटैक यहाँ पे किया है, जो कि चार्ट पैटर्न के ऊपर आप देख सकते हैं इमीडिएटली रिएक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी बुल वाले यहाँ पे क्या करेंगे वो एक देखने वाली यहाँ पे बात होगी। अगेन यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा डेटा 2.5 था, 2.5 ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ा सा और रुकते हैं, रिफ्रेश करके मैं देख लेता हूँ, ठीक है बार बार आप लोगों ने भी बाद में रिफ्रेश करके देख ही लेना है। यस आप देख सकते हो एकदम से ही यहाँ पे बियर वालों ने जोरदार यहाँ पे हैमरिंग यहाँ पे की है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे भी अगर मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो अभी भी वो हम लोग को नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी बुल इसको वापस ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे वो देखने वाली बात होगी, उसके ऊपर भी फोकस आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे मैंने कहा कि डाउ जोन्स की ओपनिंग कैसे होती है, ठीक है यहाँ पे क्या असली कारोबार होता है, ठीक है ये तो फ्यूचर में कारोबार चल रहा है, ठीक है
तो ये यहाँ पे देखना चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाली। इसी के ऊपर लेकर सारी चीज़ें दाव खेला जाएगा कि भाई इंटरेस्ट रेट क्या कट होगा, नहीं होगा, 25 का होगा या फिर 50 का होगा, यही चीज़ें देखने को मिल रही है। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि 2.5 से अगर नीचे आ जाता है तो फिर हम 50 का सोच सकते थे, ठीक है, कि रेट कट के शायद से हिसाब से। अभी 2.5 था, अभी 2.5 ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो शायद से 50 की उम्मीद करना थोड़ा कम हो सकता है, आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर क्या ट्रिगरिंग चल रही है, रिफ्रेश करते रहेंगे, रेक करते रहेंगे, तो आप देख सकते हो अभी भी चार्ट पैटर्न की स्थिति कुछ वैसे ही देखने को मिल रही है। तो चलो ठीक है दोस्तों, लाइव जिसका हम लोग जो चीज़ें देखना चाह रहे थे उसको मैंने यहाँ पे बस रिकॉर्ड कर लिया है। अभी देख लेते हैं कि आगे क्या होता है, यहाँ पे रिकवरी होती है भी या नहीं, या फिर और नीचे चला जाता है, ये देखने वाला बात रहेगा। हेडलाइन इतनी है दोस्तों, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही डेटा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इससे हम ये कह सकते हैं कि शायद से 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट एक्सपेक्ट करना FOMC के अगले बैठक में, उसकी उम्मीदें, उसका परसेंटेज शायद से हम लोग को कम देखने को यहाँ पे मिल जाए। अभी ये चर्चा होगी कि 25 का रेट कट या फिर नो रेट कट, ये एक चर्चे का विषय बन सकता है, ठीक है। जो भी चीज़ें रहेंगी वो तो हम लोग को 18 तारीख को ही देखने को मिलेगी, बट एक पर्सपेक्टिव हम लोग को देखने को मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, ये डेटा देखकर आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है कि रेट कट आने वाले नेक्स्ट हफ्ते में होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो 25 का होगा या फिर 50 का होगा, आप चाहो तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। सो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।